नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब प्राइवेट कॉलेज में नहीं होगी बीपीएससी की परीक्षाएं। 2023 में बनकर तैयार होगा 250 करोड़ की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। यहां बनेगी 101 मीटर ऊंची भव्य प्रतिमा। बिजली कर्मियों की मांगे जल्द होंगी पूरी। बोर्डों में समिति गठन में हुई विलम्ब के जिम्मेदार पर होगी कार्रवाई। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अब प्राइवेट कॉलेज में नहीं होगी बीपीएससी की परीक्षाएं। बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद अब बीपीएससी के अधिकारी भी सतर्क हो गए हैं और हर कदम फूंक फूंक कर चल रहे हैं। इसी बीच इन्होंने ये निर्णय लिया है कि राज्य के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में बीपीएससी की परीक्षाएं नहीं ली जाएगी। बीपीएससी परीक्षाएं नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि इसके साथ ही परीक्षा में स्वच्छ छवि वाले पदाधिकारियों को ही परीक्षा कार्य में प्रयुक्त करने का निर्देश जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि जिस परीक्षा केंद्र से पेपर लीक का संदेह व्यक्त किया जा रहा है वो भी प्राइवेट कॉलेज है। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद बीपीएससी ने 15 मई को आयोजित होने वाली बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की परीक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता जताई है। 2023 में बनकर तैयार होगा 250 करोड़ की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। बिहार में लगातार विकास परियोजनाओं के तहत काम हो रहा है। इसी क्रम में बिहार के मुंगेर जिले में भी कुछ विशेष किया जा रहा है। आपको बता दें कि अब शहर में जल्द ही नमामि गंगे परियोजना के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाया जाएगा, जिससे गंगा में गंदा पानी नहीं गिरेगा। नमामि गंगे परियोजना के तहत देश भर में गंगा नदी के किनारे पर बसे शहरों में नालों के पानी की सफाई के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। इस योजना के तहत मुंगेर में अत्याधुनिक 250 करोड़ की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा। यहां बनेगी 101 मीटर ऊंची भव्य प्रतिमा। वैसे तो पटना में पहले से कई पर्यटन केंद्र मौजूद है, लेकिन जल्द ही इसकी संख्या में बढ़ोतरी होने वाली है। एक बार फिर से पटना देश विदेश के पर्यटकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने जा रहा है, क्योंकि पवित्र गंगा नदी के तट पर बसा हुआ ऐतिहासिक शहर पटना को गंगाधाम के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की गई है। वहीं पटना के सबलपुर दियारे में माँ गंगा की भव्य प्रतिमा भी लगाई जाएगी। इस प्रतिमा की ऊंचाई 101 मीटर होगी। इसके साथ ही दो मंदिर का भी निर्माण किया जाएगा। पटना और सोनपुर के बीच एक टापू के रूप में मौजूद सबलपुर दियारे को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना का डीपीआर आईडीपीटीएस बना रही है। विश्वेश्वरैया भवन में दो दिन तक नहीं होगा कोई भी काम। राजधानी पटना के बेली रोड स्थित बिहार के सबसे बड़े सरकारी कार्यालय विश्वेश्वरैया भवन में भीषण आग लग गई थी, जिसके बाद भवन की तीसरी मंजिले से सातवीं मंजिल तक आग की चपेट देखने को मिली थी, जिससे कई दस्तावेज जरूरी सामानों का भी भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। वहां अभी अभी चीजें अस्त व्यस्त है, ऐसे में वहां काम कर पाना थोड़ा मुश्किल है, जिस वजह से विश्वेश्वरैया भवन में दो दिनों तक कोई भी सरकारी काम नहीं होगा। कर्मचारियों के भी आने पर रोक लगी है। बताया जा रहा है कि इन दो दिनों में भवन परिसर में अगलगी से हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा, साथ ही आग से जले सामानों के मलबे को हटाने का काम भी किया जाएगा। बिहार में दिखा आसानी तूफान का असर। आसानी तूफान का असर बिहार में देखने को मिला है। बुधवार की देर रात राजधानी पटना सहित कई जिलों में देखने को मिला। 3 बजे के बाद पटना और अरवल के इलाकों में अचानक तेज आंधी तूफान उठा, जिसका केंद्र पालीगंज रहा। यहां आंधी की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रही। पटना शहर के दक्षिण से गुजर रहे थनका और बिजली के कारण मौसम विभाग को रेड अलर्ट भी जारी करना पड़ा। मौसम विभाग द्वारा अगले 24 घंटे तक इन प्रदेशों को लेकर येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के जमुई जिले में 2.5 मिलीमीटर, वहीं भागलपुर में सबौर में 2.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि प्रदेश के शेष भागों का मौसम पूर्वा के कारण सामान्य बना रहा। बिजली कर्मियों की मांगे जल्द होंगी पूरी। बिजली कर्मियों ने सरकार से मांग की है कि 2900 ग्रेड पे को मर्ज करते हुए वेतन विसंगति को अविलंब दूर किया जाए। अनुबंध से नियमित हुए कर्मियों और पदाधिकारियों को एमएसीपी का लाभ दिया जाए, जिस पर उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त हुआ है। सभी तकनीकी कर्मियों पदाधिकारियों को आपातकाल सेवा जोखिम भरे कार्य के लिए 10% अधिक वेतन मान दिया जाए। इसके साथ ही बिजली कर्मी कई मांगों को सरकार के सामने बार बार रख रहे हैं। इसी को लेकर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि बिजली कर्मी हमारे अंग है, आपकी समस्या हमारी समस्या है, आपकी बदौलत ही बिजली कंपनी चल रही है, आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। वार्डो में समिति गठन में हुए विलम्ब के जिम्मेदार पर होगी कार्रवाई। पंचायती राज विभाग द्वारा जिलों को बार बार रिमाइंडर दिए जाने के बाद भी ग्राम पंचायतों में वार्ड का क्रियान्वयन और प्रबंध समिति का गठन का काम सुस्त पड़ा हुआ है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों के कुल 1,11,000 वार्डों में अब भी 30,000 से समिति का गठन नहीं हो सका है। दूसरी तरफ कुल 1,11,000 अब भी 30,000 वार्डो में समिति का गठन होना बाकी है। इसको लेकर अब पंचायती राज विभाग ने साफ साफ कह दिया है कि इन सभी कार्यों में विलम्ब के जिम्मेदार व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर सभी जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है। आपको बताते चले कि अभी तक 80,000 वार्डो में समिति की गठन हुई है। कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत 2 लाख लोगों ने लिया कोरोना का टीका। बीते दिन
कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत करीब 2 लाख लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया है। राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्देश पर सभी 38 जिलों में कोरोना टीकाकरण महाअभियान का आयोजन किया गया, जिसके तहत कोरोना टीके की दूसरी खुराक 15 से 18 साल और 12 से 15 साल के बच्चों के टीकाकरण और बूस्टर डोज की खुराक दी गई। जानकारी के अनुसार सिवान में सर्वाधिक 21,715 कोरोना टीके की खुराक दी गई, जबकि सबसे कम शिवहर में मात्र 351 टीके की खुराक दी गई है। विभाग के अनुसार 10,000 से अधिक कोरोना टीके की खुराक 4 जिले सिवान, पूर्वी चंपारण, अररिया, किशनगंज में दी गई है। मुख्यमंत्री के खिलाफ हुआ परिवाद जारी, मामला मुजफ्फरपुर का है। औराई के मुखिया और पंचायत सचिव ने 15 साल पुराने पंचायत भवन को बिना किसी सरकारी आदेश के तुड़वा दिया और बाद में पंचायत भवन के ईंट से लेकर वहां का एक एक सामान बेच दिया, जिसको लेकर दोनों से जवाब मांगा गया था, लेकिन इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर सरकार और प्रशासन द्वारा कार्रवाई में लापरवाही हो रही थी। चीजों को नाजायज तरीके से बेचने के खिलाफ ACJM प्रथम पश्चिमी मुजफ्फरपुर में परिवाद दर्ज कराया गया, जिसकी अगली सुनवाई 21 मई 2022 को होगी। इस परिवाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित पंचायती राज मंत्री, मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी और अन्य कई लोगों का नाम शामिल है। ये परिवाद आनंद कुमार झा, जिला महासचिव लोक चेतना दल मुजफ्फरपुर के द्वारा जारी की गई है। कोरोना मामले में आज दूसरे दिन भी बनी रही स्थिरता, देश के साथ साथ बिहार में भी कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। हालांकि राज्य में ताजा रिपोर्ट के मुताबिक स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन फिर भी आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 58 हो गई है। बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटे के रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल 80,114 सैंपल की जांच की गई, जिसके बाद राज्य में 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें 3 मामले राजधानी पटना के हैं। वहीं भागलपुर और समस्तीपुर में 1 मामले मिले हैं। वहीं देश भर की बात करें तो काफी दिनों के बाद यानी कि आज गुरुवार को जारी किए गए पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के 2827 नए मामले सामने आए हैं, जहां 24 लोगों की जान गई है। इसके साथ ही कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 19,067 हो गई है। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष को जातीय जनगणना कराने का दिया आश्वासन। बिहार में राजनीतिक गलियारे में पक्ष और विपक्ष को एक दूसरे पर तंज कसने के कई मुद्दे हैं, लेकिन फिलहाल साथ खड़े होने का एक ही मुद्दा है, जातीय जनगणना। इस बीच मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जातीय जनगणना कराने का भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो खुद जातीय जनगणना कराने के पक्षधर हैं और जल्द ही ये काम बिहार में किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते दिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मिले, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को संतावना दी है कि बिहार में जल्द ही जातीय जनगणना कराई जाएगी। पीएम मोदी से मिलेंगे विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा। बिहार विधानसभा में शताब्दी वर्ष समापन समारोह की तैयारियां चल रही है, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया जाएगा। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं और उनसे मुलाकात कर इस मौके पर उन्हें बिहार आने के लिए आमंत्रण पत्र सौंपेंगे। बता दें कि बिहार विधानसभा भवन के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पिछले साल अक्टूबर महीने में बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समारोह में हुए थे और अब समापन समारोह में प्रधानमंत्री के आने की उम्मीद लगाई जा रही है। तेज प्रताप ने कहा, पटना इस्कॉन मंदिर में हो रहा है बड़ा खेल। बिहार की राजधानी पटना में 100 करोड़ की लागत से बने इस्कॉन मंदिर का अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर उद्घाटन हुआ। इस मंदिर की चकाचौंध देखते ही बनती है, लेकिन राजद सुप्रीमो के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की को कुछ गलत दिख रहा है। तेज प्रताप ने खुद ये बातें ट्वीट करते हुए कहा है। वैसे भी तेज प्रताप अपने बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं। इस बीच उन्होंने एक और ऐसा ट्वीट करते हुए सनसनी पैदा कर दी है। दरअसल तेज प्रताप यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पटना के इस्कॉन मंदिर की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, पटना इस्कॉन में चल रहा है बहुत बड़ा खेल, जल्द ही खुलासा करूंगा। अब लोग ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर हो क्या रहा है वहां पर और तेज प्रताप क्या खुलासा करने वाले हैं। उमेश कुशवाहा ने कहा, बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाए। पार्टी प्रदेश मुख्यालय में बुधवार को 5 जिले प्रभारियों और जिलाध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी पदाधिकारियों से आह्वान किया कि संगठन को जिला, प्रखंड, पंचायत और बूथ स्तर पर मजबूत बनाए। इसके लिए सभी को एकजुटता और अनुशासन के साथ काम करना होगा। वहीं बैठक में वैशाली, बेगूसराय, शिवहर, नवादा और मुंगेर जिले के प्रभारी और जिलाध्यक्ष शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच और सरकार की उपलब्धियों के आधार पर संगठन को प्रत्येक स्तर पर मजबूत बनाने और विस्तारित करने का संकल्प लिया गया। आउट होकर भी नॉट आउट रहे डेविड वार्नर। बीते दिन खेले गए दिल्ली और राजस्थान मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स पर 8 विकेट से जीत दर्ज कर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीद को बरकरार रखा। दिल्ली की इस जीत में अहम भूमिका सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर और मिशेल मार्श ने निभाई। इस बीच एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसे देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। दरअसल 9वां ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल ने डेविड वार्नर को अपने जाल में फंसा लिया था। ओवर की आखिरी गेंद पर इस लेग स्पिनर ने वार्नर को बीट किया और गेंद बल्लेबाज के बैट और पैड के बीच से निकलकर सीधा स्टंप पर जाकर लगी। गेंद स्टंप पर लगने के बाद बेल्स थोड़ी ऊपर उठी, मगर लेकिन इसके बाद वो फिर जमीन पर गिरने के बजाय अपने स्थान पर वापस जाकर रुके। इस दृश्य को देखने के बाद सभी आश्चर्यचकित थे।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है उमेश कुशवाहा, अखिलेश कुशवाहा, नुन्नू कुमार, दिलीप कुमार, जितेंद्र ठाकुर, एसके सिंह, अनवर करीम खान, कुलदीप कुमार, रंजीत मिश्रा। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही धांधली का जिम्मेवार आप किसे मानते हैं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।